दुनिया में तमाम रहस्य छिपे हुए हैं, जिनके बारे में इंसान आज तक कुछ पता नहीं लगा पाया। इनमें से एक है मोराको रेगिस्तान, जहां सदियों से लोगों को रहस्यमय संगीत सुनाई देता है। इस रेगिस्तान में कभी ड्रम तो कभी गिटार बजाने का आवाज सुनाई देता है। ये ऐसा रेगिस्तानी इलाका है जहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान दिखाई नहीं देता, लेकिन संगीत की प्यारी धुन लोगों के बीच सदियों से चर्चा का विषय बनी हुई है। जो भी इस रहस्य में संगीत को सुनता है वो आश्चर्य में पड़ जाता है। यहाँ से गुजरने वाले लोगों को मानना है कि शायद यहाँ भूत प्रेत रहते हैं जो लोगों को डराते हैं। ऐसा ना जाने कितने दशकों से चले आ रहा है, मगर कभी भी कोई इसकी सही वजह नहीं ढूंढ पाया। बता दें कि इससे पहले 13वीं शताब्दी में जब यात्री मार्को पोलो पहली बार चीन पहुंचे थे, तो वहाँ के रेगिस्तानी इलाका में ऐसे ही संगीत की धुनें उन्होंने भी सुनी थी। मार्को पोलो ने भी अनुमान लगाया था कि ये शायद आत्माएं हैं जो रेगिस्तान में भटकती हैं। इस रेगिस्तान में संगीत सुनाई देने की वजह वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली है। लैब में लंबे समय तक हुए परीक्षणों के बाद पाया गया कि रेगिस्तान में बने रेत के टीलों के नीचे जब रेत खिसकती है तो उसके वाइब्रेशन से ये संगीत पैदा होता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इसके लिए रेत के कणों का आकार भी जिम्मेदार है। कणों का आकार और रेत के खिसकने की गति उस संगीत जैसे ध्वनि के मुख्य कारण हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें इंतजार है आपके कमेंट का। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं एक न्यू यूट्यूबर होने के वजह से मुझे आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आशा करते हैं आप इस चैनल का एक जेन्युइन सब्सक्राइबर रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।